आंटी आप ये खाएं, ये सारा बाजी ने खुद बनाया है। थैंक यू। वैसे तो सारा बाजी मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं है, बस 3 साल नहीं बल्कि 1 साल बड़ी है। वो तो अब्बा मुझे कहते हैं कि मैं उन्हें बाजी कहूँ, वरना मैं तो नहीं उन्हें बाजी कहती। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या बनाया? मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, मैं तो बस लोगों को बुद्धू बनाती हूँ। मनाहिल, इसकी आदत है मजाक करने की। हाँ बस मैं उल्टे सीधे मजाक करती रहती हूँ, लेकिन सारा बाजी वो बिल्कुल मजाक नहीं करती, बहुत सीधी है। ये इतना सारा सारा क्यों कर रही है? पता नहीं, शायद उससे बहुत इंप्रेस्ड है। तुम्हें कोई सवाल करना? नहीं रहने दे। सवाल किया तो अपने बजाय सारा के बारे में बताएगी। सब खैरियत है ना? कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। वो मैं सिर्फ इससे ये पूछ रहा था कि अगर इसने अकेले में कोई बात करनी है तो। अकेले में? अकेले में? अकेले में क्या बात करनी है भाईजान? कैसी बात कर रहे हैं लोग? अरे दरअसल इनका मतलब ये है कि अगर आप लोग इससे अकेले में कुछ पूछना चाहें तो आप लोग बात कर सकते हैं। नहीं मुझे कोई अलहदगी में बात नहीं करनी है। अबा कर लेना, इसमें क्या, आपको जो पूछना होगा आप पूछ लेना और जो इनको जाना होगा जान लेंगे। तुम बीच में मत बोलो मन्नू, मनाहिल। अम्मा क्यों ना बोलूं, आखिर को हमने लड़की देने का मजाक थोड़ी है। अब वैसे भी कराची वराची में तो ऐसा होता है ना, है ना आंटी? हाँ बेटा होता तो है, लेकिन अगर आप लोग मुनासिब नहीं समझते तो ठीक है रहने दे। तुम्हारी अम्मा ने कहा ना खामोश बैठो, तुम चुपचाप बैठो। अम्मा पता नहीं कौन से जमाने की बातें कर रही है, ऐसे इतना रहा तो होगी सारा बच्चे की शादी। अभी पहले हम लोग आपस में मिलजुल लें, एक दूसरे को समझ लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी बातें। पे अरे आप तो बुरा मान गई, हम लोग तो बहुत फ्रैंक लोग हैं। लेकिन हम लोग नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, लड़की तो देखनी पड़ेगी ना। आए मैं आपको दिखाती हूँ, आ जाए आ जाए। मन्नू उठे, आ जाए जल्दी करें, मैं मिलवाती हूँ। अब बोला एक्चुअली आई एम सॉरी, हमारे यहाँ ना सब पुराने दस्तूर वाले ही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग ओल्ड फैशन है। मेरे जो अब्बा है ना बड़े खुले जहन के हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया कि मुझे एमबीए करवाने के लिए ना बाहर भेजें, है ना बड़ी बात, है ना? बिल्कुल हाँ, वो अलहदा बात है, कोई समझता नहीं बल्कि कोई यकीन ही नहीं करता। तुम ऐसे क्या देख रही हो, हम तो यहाँ से नजर नहीं आ रहा तुम्हें भी आ रहे हैं। चलो चलो चलो, हमारे यहाँ ना सब ऐसे ही है। आपको पता है हम लोग ना 20 लोग रहते हैं इस घर में। आए तुमको घर दिखाती हूँ, चल आ जाए आ जाए। अरे अपना ही घर समझे, आए आए जल्दी कर। आए मैं बताती हूँ, जो इस साइड वाला कमरा है ना वो चाचा चाची और उनकी फैमिली का है। अब उनकी फैमिली में चाचा चाची और बस सारा बाजी है, और जो इधर वाला कमरा है ना वो पप्पो का है, पप्पो की अभी तक शादी ही नहीं हुई। जो अम्मा है ना वो अभी तक उनके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। जो मेरी पप्पो है ना वैसे मेरी अम्मा को बड़ा तंग करती है, लेकिन जो मेरी अम्मा बड़ी समझदार है, ऐसे पप्पो को संभालती है आपको क्या बताऊं, बड़ा मजा आता है। आप हमेशा इतना ही बोलती हैं? हाँ क्यों, आपको कम बोलने वाली लड़कियां पसंद है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अच्छा है, सारा बाजी बहुत कम बोलती है, खूब निभेगी आप दोनों की, बड़ा मजा आएगा। सारा बाजी? हाँ ये अंदर है ना, जाए आप उनसे बात करें। कहाँ जाओ? सारा बाजी के पास, वो अंदर ही, जाके बात कर ले आप। नहीं नहीं मैं मुझे सारा बाजी से नहीं मिलना। अरे मैं सब संभालूंगी, मैं हूँ ना यहाँ पर चौकीदारी करने के लिए, आप जाइए। नहीं नहीं आप समझ नहीं रही। मैं सब समझ रही हूँ, आप इस जाए अंदर बात तो करिए। नहीं मैम उनको देखने नहीं आया सारा को। है क्या मतलब? हम आपके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मैं आपसे मिलने आया हूँ मनाहिल। तुमने कोई काम नहीं किया? नहीं ये सब नहीं चाहिए, ले जाओ। बीबी जी पानी है। कहा ना मुझे इस घर का पानी भी नहीं चाहिए, ले जाओ। किताब खोलो। आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं नाराज हूं, आप फिर भी कह रहे हैं किताब खोलो। पढ़ाई तो करनी है ना?
मुझे नहीं पढ़ना। कहाँ जा रहे हो? मैं खुद ही तो बोला कि पढ़ना नहीं है तुमने। आप पूछेंगे नहीं क्यों नहीं पढ़ना? अब एक इंसान परेशान है, दूसरा ये भी ना पूछे। क्या बात है, क्यों नाराज हो? अच्छा बताओ, किस बात से परेशान हो तुम? नहीं बता रही। चलो, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा बात सुनो, कल जो सवाल करने हैं हम, आज प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है? तो क्या समझते हैं खुद को? मैं कम से कम आपकी बहन की दोस्त हूँ। आप यही पूछ लें कि कल जो मेहमान आए थे उनका क्या हुआ? रिश्ता हो गया तुम्हारा? आपको पता था कि मेरा रिश्ता आ रहा है? जाहिर है मन्नू। क्या जाहिर है? सारा बाजी का भी आ सकता था। सारा बाजी की तलाक होगी, तुम्हारा रिश्ता आएगा ना। किताब पकड़ो और चैप्टर नंबर 7 निकालो। आप ये साबित करना चाहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ? मन्नू मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, तुम्हें भी पढ़ाई करनी है, ये लो। मुझे नहीं पढ़ना। आपको क्या लगता है, आप दुनिया के सबसे अकलमंद इंसान हैं? मुझे आपकी शक्ल ही नहीं देखनी। आप मुझे बहुत जहर लगते हैं, बहुत जहर, इतना कि आपको अंदाजा ही नहीं है। ये जो आप ऐसे ऐसे करके चलते हैं ना, मुझे वो भी जहर लगता है। ये जो आपका नाक कान मुंह दांत है ना, मुझे ये भी बहुत जहर लगता है। और ये जो आप जवाब देने की बजाय आंखों से घूर घूर के देखते हैं ना, मुझे वो भी जहर लगता है। दिल चाहता है कि मैं बोल लिया हो तो मैं जाऊं। कब तक रूठी रहोगी? सारी जिंदगी। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं आप लोगों पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। खाना तो खा लो। लो कर लो बात। मैं कह रही हूँ कि मैं आप लोगों से नाराज हूँ और आप कह रही हैं खाना खा लो। कमाल करती है अम्मा। तो बिया के घर जाके खा लो फिर। उसके घर भी नहीं खा सकती। क्यों, उसके घर भी लड़ाई डाल ली? मेरी तो कोई परवाह नहीं करता, सब समझते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। बस अकलमंद तो वही है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ऐसा कौन समझता है, किसने कहा? कुछ नहीं, बस मैं आपको बता रही हूँ अम्मा कि ना मैं खाना खाऊंगी ना पढ़ाई करूंगी। क्या हो गया है? नाराज हो गई है, कह रही है बताया क्यों नहीं कि लोग इसे देखने आ रहे थे। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। अब्बा जब आपको पता है कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर बोलो क्यों आए थे? कोई रिश्ता आ रहा हो तो उसे मना थोड़ी करते हैं, अगर अच्छा रिश्ता आ जाए तो शादी हो भी सकती है। देखा, इसी बात का मुझे डर था। अब्बा आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे MBA कराएंगे, फिर ये बेईमानी क्यों कर रहे हैं? मेरी सपनी की आगे आप सब लोग मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा आप इस किस्से को खत्म कर दो, वो रिश्ता हमें भी पसंद नहीं आया। पसंद क्यों नहीं आया? हाय, लड़के ने तो कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं। अच्छा, मगर अंग्रेजी तो बहुत बोल रहा था वो। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो पढ़ा लिखा भी है? अब तो उसके पास नौकरी भी होती ना बहुत अच्छी, फिर भी मैंने ये शादी नहीं करनी थी। नहीं, इतने मॉडर्न लोग, उसकी माँ को देखा था क्या पहन के आई हुई थी। मुझे तो लगा कि शायद दुपट्टा पहनना ही भूल गई। भाई बेशर्मी की इंतहा देखी थी तुमने? पहली मुलाकात में कह रहा था मन्नू से अकेले में बात करनी है। वो आजकल तो ये होता है ना। बेशर्मों के यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। भाभी साफ साफ मना कर दें। मैं तो किसी कीमत अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी वहाँ। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं यार, तो अच्छा नहीं। तो फिर खा क्यों नहीं रहे? भैया अच्छी सी बोटी डाल के दे भाई को। अरे नहीं भैया, नहीं रहे, कुछ खास भूख नहीं लगी। क्या बात है, भूख क्यों उड़ गई? अम्मी
मन्नू को भी भूख मर गई है, वो भी नहीं कुछ खा पी रही। तो वो क्यों नहीं खा रही? पता नहीं अम्मी, शायद उसकी शादी तय हो गई ना इसी खुशी में। है भाई ऐसा ही हुआ होगा ना? मुझे क्या पता। अरे अरे खाना तो खत्म करके जा। अम्मी मैं देख के आती हूँ। पानी नहीं आ रहा, एक सेकंड। क्या मतलब पानी नहीं आ रहा? सुबह तो आ रहा था। अभी नहीं आ रहा ना? ये ले। ले। बहुत बुरा लगा ना? क्या खाना? जी नहीं, मन्नू की शादी के बारे में सुन के। मुझे क्यों बुरा लगेगा? अच्छी लगती है ना मन्नू आपको? तो वो फिर से सस्ते वाले इंस्पेक्टर जवाद और शबाना वाले नॉवल पढ़ना शुरू हुए। मैं कोई भी नॉवल नहीं पढ़ी, मैंने देखा है। क्या देखा तुमने? मैंने देखा है कि आप उसे देखते हैं। नहीं तो वो सामने है तो क्या मैं आंखें बंद कर लूं? उससे क्या होगा, आंखें बंद करके भी आपको मन्नू ही नजर आएगी। बिया तुम ये सस्ती रोमांटिक बातें करना बंद कर दो, समझ आई? जी नहीं, मैंने खुद देखा है आपकी आंखों में उसके लिए प्यार। देखो ये जो तुम दादी अम्मी बनने की कोशिश करती हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। छोटी हो छोटी बन के रहो, समझ आई? मैं बहुत परेशान हूँ, हटो आगे से। मैं नहीं हटूंगी। मुझे पता है कि आप क्यों परेशान हैं। क्योंकि मन्नू परेशान है। और आपको पता है कि वो क्यों परेशान है? क्योंकि आपने उसे डांटा है। अब वो तब तक परेशान रहेगी जब तक आप उसे मना नहीं लेते। बात सुनो तुम। मैं बिल्कुल चुप नहीं करूंगी। तो ठीक है फिर मैं ही चला जाता हूँ, हटो। लेते भाई, इतनी अच्छी है मन्नू। सोचे जब वो हमारे घर में शादी होके आएगी कितना मजा आएगा, वो कितना खुश होती है हमारे घर में आके। प्लीज उससे शादी कर ले। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो बिया, तुम्हें वाकई लगता है कि वो मुझे रिश्ता देंगे? क्यों नहीं देंगे? तुमने देखा था जो उनके घर पर रिश्ता लेके आए थे, गाड़ियां देखी थी तुमने उनकी? उससे क्या होता है, ताल्लुकात भी तो कोई चीज होते है ना। उनको पता है कि हम मन्नू को बहुत प्यार से रखेंगे। बहुत प्यार से रखेंगे उसको। एक काम करेंगे, उसको प्यार ही खिला देंगे और प्यार में ही सुला देंगे। भैया जिंदगी में प्यार के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। आप तो हमेशा खुद को कमतर ही समझते हैं। मैं जा रही हूँ अम्मी से बात करने, बस। भैया खबरदार तुमने अम्मी को कुछ कहा तो, आराम से बैठो यहाँ पे। शादी हो जाएगी उसकी, चली जाएगी वो कहीं और, तो यही सही है। ये सही नहीं है ना भाई, वो आपको बहुत चाहती है। तो क्या ये भी तुमने उसकी आंखों में देख लिया? हाँ देख लिया था, तभी तो अभी तक भूखी बैठी है, खाना नहीं खाया उसने। इंतजार कर रही है कि आप आके मनाएंगे तो वो खाना खाएगी, वरना नहीं खाएगी। तो वो वैसे ही नहीं खा रही होगी, उससे मेरा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, वरना शर्त लगा ले। मन्नू आ गई, मैं जा रही हूँ। लेकिन भाई मेरी एक बात सुन ले, अगर आप मन्नू से नहीं मिले ना तो मैं वाकई समझूंगी आपके दिल में चोर। मुझे क्यों बुलाया यहाँ? मन्नू प्लीज खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। सुबह से भूखी हो, थोड़ा सा खा लो। आपने तो खा लिया ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? भाई ने भी नहीं खाया है। क्यों, इन्होंने क्यों नहीं खाया? इन्हीं से पूछ लो। पिया, पिया, पिया रुको। पिया। तो क्या तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा फिर खाओगी? नहीं आपको परवाह ही नहीं है तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे घर पे है ना सब तुम्हारी परवाह करने के लिए, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी चाची, तुम्हारे ताया, सब है, तो फिर मुझे क्यों फर्क पड़े? हमसायों का भी कुछ फर्ज होता है ना। अब इसका यह मतलब नहीं कि मेरे घर में इतने सारे लोग हैं
तो हमसायों का कुछ फर्ज ही नहीं है। हमसायों की बात से भी दिल दुखता है। नहीं दुखना चाहिए, मेरा दुखता। अच्छा मन्नू, सॉरी मैं कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज कुछ खा लो। आप खा लें तो मैं भी खा लूंगी। तुम्हारा मसला क्या है? तुम ये जो सारी बातें करती हो मेरे से, अगर तुम्हारे माँ बाप को पता लग गया तो? मैं गलत बात तो नहीं करती? मैं तुम्हारा लगता क्यों जो तुम मेरे से सारी बातें करती हो? मुझे नहीं पता, मुझे बस अच्छा नहीं लगता। हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए कह रहा हूँ बात खत्म करो और खाना खा लो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें मेरे आँख नाक कान कुछ पसंद नहीं है, तो फिर? तो मैं वैसे ही बोल रही थी, आप मुझे अच्छे लगते हैं, आपकी नाक कान मुंह मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। अब अम्मा से बात करें ना, मुझे भी शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ना। नहीं, तुम्हें शादी करनी है। मुझे नहीं करनी, मुझे आपसे पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आगे नहीं बढ़ना मन्नू, प्लीज। मुझे पढ़ना है। तुम गलत कर रही हो मन्नू। मुझे नहीं पता क्या गलत है और क्या सही, मुझे बस आगे पढ़ना है। आई कॉम बी कॉम एम बी ए बहुत पढ़ना है मुझे आगे। तब तक जब तक आप कुछ बन ना जाए। शर्ट जीत गई भाई, मैं शर्ट जीत गई। मैंने आपको कहा था ना मैं शर्ट जीत गई। अम्मी अम्मी नहीं, कोई चुप नहीं होगी। अम्मी अम्मी क्या अम्मी अम्मी क्या हो गया? खैर तो है अम्मी, उसने खाना खा लिया। किसने? भाई ने? भाई ने भी खा लिया, मन्नू ने भी खा लिया, दोनों ने खाना खा लिया। क्या बोली जा रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये पागल हो गई है, इसका रिश्ता करवा दें ताकि ये जाए, सबको तंग करती है घर के अंदर। क्यों भाई, आप बड़े, पहले आपकी शादी होनी चाहिए। हाँ हाँ खैर से उसकी शादी होगी, नौकरी तो पक्की हो जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ, नौकरी होगी तो शादी होगी ना, वैसे बड़ी बड़ी बातें करने का क्या फायदा। ओफो अम्मी, नौकरी भी मिल जाएगी, पक्की भी हो जाएगी, पहले छोकरी तो पकड़े। चल बदतमीज कहीं की, क्या और फॉल पक रही है। इसकी इसकी जुबान देखिए आपने, इस हर दिन बैठ के तुम केबल चैनल देखती हो और उसके बाद आके इस तरह बात कर रही हो तुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मनाहिल अभी अपनी तालीम जारी रखना चाहती है। आप फिक्र नहीं करें, हम पढ़ाएंगे उसे, ये मेरा वादा है आपसे। हम इस किस्म के लोग नहीं है कि बच्चियों की तालीम के अगेंस्ट हो हम। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम अभी शादी करना ही नहीं चाहते। खुश हो रही है? क्यों क्यों ना, आप लोगों ने तो मुझे मरवा ही दी। कोई मरवाया नहीं था, अच्छा खासा था मिकाईल। कोई अच्छा नहीं था, बस खासा ही था। अब वैसे भी मुझे ज्यादा फी होने में लोग पसंद नहीं है। अच्छा तो कैसे पसंद है तुम्हें? रोब वाले, जो ज्यादा बातें ना करते हो, जिनको देखकर लगे कि यही है, यही होने चाहिए और कोई नहीं। तो ऐसा कोई मिल गया है तुम्हें? आप कैसी बातें कर रही हैं चाची, वैसी वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ना करे कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो, अपनी पसंद बता दो ताकि वैसा बंदा ढूंढ दूं तुम्हारे लिए। आप ढूंढ लेंगे ऐसा? हाँ बिल्कुल ढूंढ दूंगी, कराची मुल्तान लाहौर लंदन अमरीका जहाँ कहोगी ढूंढ दूंगी। नहीं नहीं इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है,
मुझे तो अपना शहर ही बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे शहर में ऐसा मिल जाएगा? क्या पता? बताओ तो सही। बता नहीं चाची। सारा बाजी। हाँ तो अम्मी को बता दो, वो तुम्हारे लिए ढूंढ देंगे। तुम्हारे लिए भी ढूंढ दूंगी। तुम उस आदमी का पीछा तो छोड़ दो। पता नहीं कौन से लड्डू पेड़े देता है, वो आदमी पीछा नहीं छोड़ती उसका। किसी गाड़ी के नीचे आके मरता भी नहीं। अल्लाह ना करे अम्मी। हाँ हाँ वो क्यों मरे, मैं मरूं, तुम्हारा बाप मरे, अजाब हो गई है जिंदगी। बेटी घर आके बैठ गई है, मैं तो कहीं की नहीं रही। चाची बस एक बात तो सुने। चाची अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। अच्छा हम चल रहे हैं, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जी। क्यों बुलाया मुझे इससे? मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा, इसलिए बुलाया। इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो बहुत आसान है, ये लो। नहीं ये नहीं है, दोबारा देखे ना प्लीज। मनु देख लिया मैंने सवाल। आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। तुम्हें पता है मैं हमेशा ऐसे क्यों करता हूँ? मुझे नहीं पता। मनु जो चीज नहीं हो सकती उसके पीछे भागने का क्या फायदा? कुछ काम फायदा देखे बगैर भी किए जाते हैं। मनु ऐसे काम बच्चे करते हैं, समझदार लोग नहीं करते। मुझे समझदार नहीं होना। और अगर हम पकड़े गए तो? मैं यही तो चाहती हूँ कि हम पकड़े जाए, वरना आप तो कुछ बोलने वाले ही नहीं है। देखो तुम तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आप करें ना, आप जल्दी जल्दी अच्छी सी नौकरी करें और फिर जल्दी जल्दी मुझे अपना लें। तो मैं जो भी कर लूं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हो सकता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ। मैं कम में गुजारा कर सकती हूँ। बिल्कुल गुजारा कर सकती हूँ, तो खुश नहीं रह सकती। आप मुझे ऐसा समझते हैं? तुम नहीं समझते, तुम पे गरीबी सूट नहीं करती, मुझ पर बस आप सूट करते हैं। फिर चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी। मनु जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही मुश्किल होगा हमारे लिए। आपका नहीं पता मुझे, लेकिन मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं बाप का मुकाम किसी को नहीं दे सकती। मुझे नहीं पता तुम इतनी जिद्दी हो। जिद्दी नहीं होंगी, आपका साथ कैसे दूंगी? इतनी बातें भी करती होती। आपका बहुत बुरी लगती हूँ मैं। बहुत मैं बातें नहीं कर रही। मनु बैठो, मत करो बात, चुप करके बैठो यहां तुम मेरे साथ। आ गए आप? हाँ यार एक पानी का ग्लास ही लाओ तो। हर वक्त पानी मांगते हैं आप मुझसे, उसके चक्कर में ये भी भूल गया कि मुझे भी पढ़ाना था। ये मेरा ट्यूशन का टाइम है, पता भी है ना? तुमने बताया कि नहीं मुझे फोन करके? चलो किताबें निकालो। एक मिनट, पढ़ा पाएंगे अब आप?
सारी बात है, क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं? ये बताइए कि उसने आपको क्यों बुलाया था? कुछ नहीं, वो उसको एक सवाल समझ नहीं आ रहा था तो मैं बताया तो था मैंने, तुम बताओ कौन से चैप्टर पे थे तुम? वैसे आप जब चाहे मेरी मदद ले सकते हैं। किस चीज की मदद? देखिए भाई, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो अभी आपसे कहेगी कि मुझे घुमाने फिराने लेकर चलो, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर एक दफा भी आप लोग पकड़े गए ना तो समझे गए काम से। ख्वाहिश तो कुछ ऐसी की थी उसने मेरे से। देखा, आज तो मैंने समझा दिया उसे, लेकिन बार बार कैसे मना करूंगा मैं? अरे क्यों मना करेंगे आप उसे? मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूंगी, तो लो जा सकते। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, अम्मी अब्बा से बात करने की जरूरत है। आप बात करेंगे? मैं बात करूंगा, वरना जिस तरह की वो है, उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। वैसे उसका कोई भरोसा भी नहीं है। करता हूँ मम्मी से बात। मैं भी बुलाती हूँ। अरे क्या मतलब बुलाती हूँ, अभी थोड़ी करूंगा मैं, तो बाद में करूंगा बात उनसे। बाद में कब? अभी अब मस्जिद गए, अभी कर ले। पहले मैं सोच तो लूं कि बात क्या करनी है मैंने उनसे। ओ भाई, आप यहाँ सोचते रह जाएंगे और वहाँ मन्नू साहिबा किसी से भी कुछ भी कह देगी। बिया, सलाउद्दीन। जी अम्मी। ये क्या तुम लोग हर वक्त डेढ़ इनकी मस्जिद बना के बैठ जाते हो, कभी मुझसे भी बात कर लिया करो। अम्मी भाई को आप ही से बात करनी थी, ऊपर आइए। नहीं नहीं अम्मी, आप नीचे ही रहे, मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। नहीं नहीं अम्मी, आप ऊपर आइए। क्या बात, जाओ नीचे जाओ, नहीं बुला रही। मैं वापस आ रही हूँ। जाओ अभी, जाओ जाओ जाओ। हमेशा यही करते मेरे साथ। मैं आ रही हूँ अभी। जाओ। मनु, 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 तुम कहीं जा रही हो? नहीं तो? ओ, तो फिर तुम्हें कोई देखने आ रहा है आज? अल्लाह ना करे, मैं तो बस ऐसी तैयार हुई हूँ। इतना ज्यादा? नहीं तो, इतना तो नहीं हुई, बस काजल ही लगाया। हाँ हाँ, इतनी तेज लिपस्टिक भी, बाल भी बड़े जबरदस्त बनाए हैं। जरूर आज कोई खास दिन है। कोई खास दिन नहीं है, अब वो ट्यूशन पढ़ाने आ रहे हैं तो क्या उनके सामने ऐसे बैठ जाऊँ? अच्छा, उनके? किन के? कौन के मनु? तुम किसकी बात कर रही हो? कोई नया आदमी पढ़ाने आ रहा है ट्यूशन? या सारा बच्चे कोई नया आदमी नहीं आ रहा, बिया के भाई आ रहे हैं। तो बिया के भाई क्यों बोल रही हो? सलाउद्दीन भाई बोलो ना। आप तो पीछे पड़ जाती हैं, वैसे मुझे देर हो रही, वो आने वाले होंगे। तुमने उनको कल भी बुलाया था ना? हाँ, एक सवाल पूछना था इसलिए। और आज क्या समझना है? अल्लाह, सारा बच्चे क्या हो गया आपको? तुम्हें क्या हो गया मनु? मुझे कुछ नहीं हुआ। मनु, मनु, मनु मेरी बात सुनो। तुम नजरें क्यों नहीं मिला रही? मेरी आंखों में देख के बोलो। सलाउद्दीन भाई, सलाउद्दीन भाई आ गए। लो देखा, वो आ भी गए। सारा भाई, इतना टाइम निकाल दिया आपने। मनु, कहाँ जा रही हो? पहले मुझे ये बता, चक्कर क्या है? तुम सलाउद्दीन को भाई क्यों नहीं बोल रही? अल्लाह, वैसे बहुत तंग करती हैं आप मुझे। तंग तो मैं करूंगी, तुम मुझे सही से बता दो, फिर जाने दूंगी यहाँ से मैं तुम्हें। पागल हो गई हो? कैसे मजाक कर रही हो तुम इसके साथ? जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आइंदा मैं फजूल बातें ना सुनूं। खुद तो बिगड़ी हुई, इसको भी बिगाड़ रही है। पर अम्मी मैं बस बदतमीज। रात भर नहीं सोई। क्यों? आप सोए थे? हाँ सोया था। तब छोटा फोन क्यों नहीं किया? वैसे ही मन लो, मैं अगर रोज रात में बात कर लूंगी तो इसमें क्या? देखो, मैं नहीं चाहता हमारे बारे में भी किसी को पता चले। मुझे लगता सारा बाजी को पता चल गया।
क्या मतलब? तुमने कुछ बोला उनको? मैंने थोड़ी उन्हें कुछ कहना था, वो मैं तैयार हो रही थी ना तो उन्होंने देख लिया। अच्छी लग रही हो ना? तुम तैयार ना भी होती तब भी अच्छी लगती। मेरा अपना दिल भी तो चाहता है ना तैयार होने को। मन्नू देखो थोड़ा सा मोहतात रहो, मैं नहीं चाहता अभी किसी को हमारे बारे में पता चले। अच्छा मुझे बताओ सारा को क्या पता चला? कुछ भी नहीं कह रही थी, वो पूछ रही थी और मेरे कुछ कहने से पहले चाची आ गई और उल्टा उन्हें ही डांट पड़ गई। अच्छा बताओ क्या डांट पड़ी? ओ फला कितना सवाल करते हैं ना आप। चाची बस यही कह रही थी कि ऐसे बेहुदा मजाक ना किया करो। और आप बस यही के हो तो बिगड़ी और मन्नू को मत बिगाड़ो। क्या मतलब? भाई आपको पता है ना सारा बाजी ने अपनी मर्जी से नुमान भाई से शादी की थी, है ना? अच्छा चले ना कोई और बात करते हैं। अच्छा तो चलो फिर मुझे ये बताओ कि कल जो मैंने तुम्हें सवाल दिए थे वो तुमने हल किया? नहीं बाद में, थोड़ी बातें करते हैं ना। मन्नू अगर तुम फेल हो जाओगी तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। और अगर पास हो गई तो क्या सारी जिंदगी पढ़ाएंगे? सलाहुद्दीन भाई अम्मी पूछ रही है आप चाय पियेंगे या कुछ? तुमने पढ़ाई नहीं शुरू की अब तक? मैं जाकर अम्मी को बताता हूँ, फेल होना है ना फिर से तुमने। चाय आ रही है आपकी। टीपू 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 के पास मेरी बात सुनो, खबरदार तुम गए। आ गए आप? आज क्या पढ़ा दिया उसने आपको और आपने उसे? वो अम्मी कहाँ हैं? अम्मी बावर्ची खाने में। क्यों सब खैरियत है? तुमने ठीक कहा था, अम्मी से बात करनी पड़ेगी। अब अब्बा तो नहीं घर पे? अब्बा नहीं है, मैं अम्मी को बुलाऊं? नहीं नहीं तुम रुको। सलाम अलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बच्चा। अरे यहाँ क्यों आके बैठ गया, भून जाएगा गर्मी में। बाहर चलो मैं खाना भेज रही हूँ। नहीं नहीं वो आपसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है मैंने। हाँ हाँ बाहर चल के बात करते हैं ना, चलो वहाँ चल के बैठो। नहीं वो आपसे मन्नू के बारे में बात करनी थी। क्या हुआ मन्नू, फिर से फेल हो गई? नहीं नहीं फेल नहीं हुई अम्मी, वो मैं मन्नू से शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि मेरी नौकरी खास नहीं है और इस काबिल भी नहीं है कि मैं रिश्ता लेके जाएं, लेकिन एक दफा अब्बा से बात तो करें आप। ये किस किस्म का मजाक है, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? जाओ चलो जाके बैठो, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, आप प्लीज अब्बा से बात तो कीजिए। हरगिज नहीं, मुझे अपनी और तुम्हारे बाप की बेइज्जती नहीं करानी वहाँ जाके। अरे दो दिन से वहाँ पढ़ाने जा रहे हो और ये हरकतें शुरू हो गई। इसीलिए कहती थी मैं कि बड़े लोगों के घर आना जाना मुझे पसंद नहीं है तुम लोगों का। अम्मी आपको पता है कि मैं पैसे वैसे से इंप्रेस नहीं होता। अरे कोई और नहीं मिली थी तुम्हें? ले देखे जावेद भाई की बेटी, पता भी है कितना बड़ा खानदान है, थूकेंगे भी नहीं हमारे ऊपर। मैं सब जानता हूँ मुझे पता है, लेकिन अब्बा से बात तो करें एक दफा। ना बेटा ना, जावेद भाई ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? ये किस किस्म की हरकतें? और वो मन्नू, वो क्या सोचेगी? मन्नू भी मुझे पसंद करती है। या अल्लाह। अम्मी देखें आप परेशान मत हो, अम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जब तक किसी काबिल नहीं हो जाता मैं उस घर की तरफ देखूंगा भी नहीं। बस वो एक वादा कर ले मेरे साथ कि मेरा इंतजार करेंगे, और तो कुछ नहीं। पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है तेरा? कैसे कहूंगी मैं ये बात? या अल्लाह
क्या हो गया इस लड़के को? मैं मन्नू को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। चलें, मैं आपकी पिक्चर बना के ना उनको भेजती हूँ, नुमान भाई को। फिर आपको फौरन लेने के लिए आ जाएंगे, सब देखते रह जाएंगे। मन्नू नहीं करो। क्या हो गया? मुंह क्यों बना हुआ है? अच्छा 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 अच्छा। मन्नू खुदा के लिए नहीं करो। मुझे लगता है मेरे जाने के बाद ना चाची ने आपको बहुत डांटा है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं चाची को समझा दूंगी। मन्नू नहीं करो। क्या जो तुम कर रही हो मैंने तुम दोनों को देख लिया। हाँ वैसे कितनी चलाक है ना आप। मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ, वो तो खुद ब खुद सब कुछ होता जा रहा है। पता वो क्या कह रहे थे? मन्नू मुझे कुछ नहीं सुनना, ये लोग नहीं मानेंगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। क्यों नहीं मानेंगे? मेरे बाप की अम्मी की तरह नहीं है, उन्हें रुपए पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी उनकी तो बहुत इज्जत है ना यहाँ पर। जब वो सबसे ये कहेंगे ना कि वो मन्नू के लिए आसमान से तारे तोड़ कर आएंगे, तो सब उनकी बात का यकीन कर लेंगे कि वो सच कह रहे हैं। साहबा जी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगा था कि बस मैं ही उनसे प्यार करती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है मन्नू? नुमान मुझे नहीं चाहते, शादी के बाद भी मुझे उनके साथ नहीं रहने दे रहे। तो इसमें आप ही की गलती है। आपकी जगह मैं होती ना तो कब की चली गई होती। कहना आसान है मन्नू, करना बहुत मुश्किल। नुमान के हालात तो फिर भी बेहतर थे, लेकिन सलाहुद्दीन लोग बेचारे। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो सीएसएस के इम्तिहान दे रहे हैं, जब पास होगे ना तो फिर देखना। और अगर नहीं हुए तो? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? चलो चलो चलो। मन्नू वहाँ जहानत नहीं रिश्वत और सिफारिश चलती है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। उठे ना, उठे ना, जल्दी करे। मन्नू नहीं, भाई अभी तक बातें हो रही हैं। पता है मुझे। अब क्या होगा? पता नहीं भाई, अब्बा मना तो नहीं करेंगे ना? करना तो चाहिए उनको। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं उसको पाने के लिए। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मुझे पसंद करती होगी। अंदाजा तो होगा ना? दिल कहता था कभी कभी, लेकिन दिमाग हमेशा इनकार कर देता था। मैंने अपने आप को कभी इजाजत ही नहीं दी कि मैं उसके बारे में कुछ ऐसा सोचूं। और वो आपके बारे में सोच रही थी, आपसे ज्यादा समझदार है मन्नू। लेकिन अब होगा क्या? अब फिक्र ना करें, जो होगा अच्छा होगा। तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। जी। ठहर जाओ, अकेले में बात करना चाहते हैं। अम्मी सब खैरियत तो है ना? दुआ करो कि सब खैरियत हो। तुम कल से उसके घर पढ़ाने नहीं जाओगे?